नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं होला अष्टक। होला अष्टक होता है जो होली से पहले होला अष्टक लग जाता है। तो होला अष्टक क्या है, वह कब स्टार्ट होता है, होला अष्टक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अब की बार 2020 में होला अष्टक कब से कब तक रहने वाला है, वह सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप होला अष्टक में क्या आपके यहाँ पे भी यही प्रथा है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को, और जो बाजू में बना है जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वह सारे के सारे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। होला अष्टक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होला अष्टक की अगर हम उसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा होली और अष्टक, मतलब 8 दिन। तो यानी कि होली से 8 दिन पहले होला अष्टक लगता है। अब की बार होला अष्टक जो कि 2020 में 3 मार्च को लग रहा है, होला अष्टक जो हमारा जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होला अष्टक शुरू हो जाता है, और जो इसका समापन है वह होता है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी कि जब होली का दहन होता है तब हमारे जब इसका होला अष्टक का समापन होता है। तो होला अष्टक को एक अशुभ कार्यकाल माना गया है, कार्य समय माना गया है, जो 8 दिन का जो होता है होला अष्टक। तो इसके पीछे क्या प्रचलित कथा है वह मैं आपको बताती हूँ कि जो एक हमारे आपने पहले बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि होली का जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसमें हम भक्त प्रहलाद के बारे में लिखते हैं। तो भक्त प्रहलाद वो जो श्री हरि विष्णु के एक अनन्य भक्त थे, और जिनकी जिसके पिता हिरण्यकश्यप जो कि एक राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य था, तो वह उसको अपने पुत्र प्रहलाद का श्री हरि विष्णु की भक्ति करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वह ये चाहता था कि उसका पुत्र उसको ही भगवान स्वरूप समान दर्जा दे। लेकिन जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत उनको तंग किया, उनके साथ बहुत छल किया, लेकिन जब भी वह नहीं माने अपने हिरण्यकश्यप को, उन्होंने अपने भगवान नहीं माना, तो उनकी जो बहन होलिका है, क्योंकि उसको होली का उसको आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, तो उसने बोला कि मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाती हूँ। तो होला अष्टक वाले दिन से होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के वहाँ पे चिता में बैठ गई, और उसमें 8 दिनों तक उसको अनन्य यातनाएं दी, और वहाँ पे उसको पूरी एक चिता तैयार की गई, और होलिका दहन वाले दिन उसमें जब उसमें उसको दहन किया गया वहाँ पे, कि ताकि जो होलिका तो बच जाएगी और भक्त प्रहलाद वहाँ उसमें जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, होलिका जल गई, लेकिन जो भक्त प्रहलाद हैं वह बिल्कुल बाल बाल बच गए। तो लोगों ने खुशियां मनाई अगले दिन, और उससे जिस दिन हम धुलेंडी मनाते हैं, रंगों का त्यौहार मनाया, तो इसलिए क्योंकि उस भक्त को बहुत यातनाएं दी गई थी, तो इसलिए उस जो टाइम पीरियड है, उस समय काल है जो 8 दिन का, उसको होला अष्टक एक अशुभ समय माना गया है। इसमें एक दूसरी कथा भी प्रचलित है दोस्तों कि होला अष्टक से संबंधित, कि जो तारकासुर के वध के लिए शिव और पार्वती का जो विवाह होना आवश्यक था, क्योंकि जो तारकासुर की जो तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि शिव पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु होगी, लेकिन सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव जो तपस्या में लीन हो जाते हैं और देवता बहुत ही विवश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं कि अब क्या करें, तो वे रति और कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि रति और कामदेव जब उनकी भगवान शिव की जो तपस्या है उसको भंग कर देते हैं, तो उससे ही तो उसे नाराज होकर जो शिव जी हैं वो कामदेव को, जो माना जाता है कि होला अष्टक वाले दिन वो जो अष्टमी होती है जिस दिन फाल्गुन मास की, वह उस दिन उनको भस्म कर अपने तीसरे नेत्र से भस्म करके उनका अंत करते हैं कामदेव जी का, तो जिससे रति 8 दिनों तक
भगवान शिव की आराधना करती है, और उसके बाद में जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन पूर्णिमा वाले दिन भगवान जो शिव जी हैं वह कामदेव को दोबारा वरदान देते हैं जीवित होने का। तो उससे पूरी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तो ये दो जो पौराणिक कथाएं हैं वो प्रचलित हैं, इसलिए इस समय काल को अशुभ माना गया है। इसमें हमें क्या कार्य, कोई भी शुभ कार्य जिसको हम मुहूर्त देख के करते हैं वह नहीं करना चाहिए। तो मुहूर्त देख के हम कौन कौन से कार्य करते हैं, विवाह के लिए देखते हैं तो विवाह संपन्न नहीं कराए जाते इस समय में। इस समय में ना कोई नए गृह निर्माण के लिए नींव रखी जाती है, ना ही नया मकान बनाने का शुरू किया जाता है, ना फिर गृह प्रवेश किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो भी आप इन दिनों अपना घर अगर चेंज करने की सोच रहे किसी भी कारणवश से तो चेंज मत कीजिए। अंततः आप अपने आपके लिए तो वो घर ही है, आप एक नए घर में जा रहे हैं, तो इसलिए इस टाइम पीरियड पे आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई वाहन खरीदना है आपको, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, तो कुछ भी जिसके लिए भी हम मुहूर्त देखते हैं कार्य को संपन्न करने से पहले वो हमें इन टाइम पीरियड पे नहीं करना चाहिए। और इस समय पे हमें क्या कार्य करने चाहिए, इस समय पे शुभ कार्य तो कोई नहीं किए जाते, लेकिन इस समय पे आप दान पुण्य यज्ञ करना ये काम आप कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धन अन्न अगर जरूरतमंदों को देना चाहते हैं तो वो आप जरूर कीजिए। तो इस तरीके से आप होलाअष्टक के दिनों में क्या करें और क्या ना करें का ये मैं सारा विवरण मैंने आपको बता दिया है। और होलाअष्टक के जो 8 दिन, जिस दिन डंडे दो डंडे जहाँ पे भी होलाअष्टक की होता है, जो अधिकतर ये चौराहे पर किया जाता है, जो होलिका दहन का जो पूरा जो पूजन की जो तैयारी होती है, तो होला अष्टक वाले दिन जैसे कि आपकी बात 3 मार्च को शुरू हो रहा है, तो दो डंडे गाड़े जाते हैं सबसे पहले। उसमें एक होलिका के नाम का होता है और एक एक भक्त प्रहलाद का की का प्रतीक होता है। और उसमें पूरे 8ों दिन वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ डाली जाती हैं। और जब जैसे अब की बार जो होलिका दहन है वो 9 मार्च को होगा, और फिर बाद में उस होलिका पूजन किया जाता है दिन में, और शाम को होलिका का दहन किया जाता है। और अब की बार जो होली है, जो होलिका जो दहन का दिन है, वो बहुत ही शुभ है दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो इस दिन भद्रा जरूर होती है, लेकिन अब की बार होलिका दहन में जो भद्रा का जो समय है वह दिन में 2:28 तक ही खत्म हो जाएगा। और शाम में जब होलिका जब दहन होगा तो वह जो समय काल है वह पूरा आपका भद्रा से मुक्त रहेगा। और दोस्तों जो होलिका अष्टक का जो होला अष्टक का जो समय होता है उसमें अगर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके हिसाब से भी जितने भी नक्षत्र ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी जो उनमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस समय में अगर जो जातक होते हैं अगर वे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वह बहुत क्षीण हो जाती है और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि कोई भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप कोई ना कोई डिसीजन तो लेंगे, तो वो डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए माना जाता है कि होला अष्टक में आपको कोई भी कार्य नहीं स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप मेरी सलाह माने तो होला अष्टक समाप्त, यानी कि जैसा कि हम मानते हैं कि पूर्णिमा पे होला अष्टक समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जो आपके 15 दिन तो फिर अंधेर शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष लग जाता है, उन 15 दिनों के बाद ही आप कोई भी अपना शुभ कार्य करें, जबकि आपका शुक्ल पक्ष यानी कि जो चांदन है वह शुरू हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही आप होला अष्टक पे कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाई हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट करके अगर आपकी कोई भी दुविधा है आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगी। नमो नमः दोस्तों।